अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकी कोचिंग सेंटर। अच्छा, हमारे पास जो है वो सेट्स एंड फंक्शन जो है वो चैप्टर चल रहा है और 17.3 का जो है हम आज पार्ट टू करेंगे। पार्ट वन के हम दो क्वेश्चन कर लिए थे हम लोगों ने। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है वो हम लोगों ने प्रूफ कर ली थी। अब हमें इन्होंने बोला हुआ है कि वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है वो प्रूफ करना है, तो उसे तरह करेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी असल में होती क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। यानी कि जब बी यूनियन सी को जब ए के साथ यूनियन लेंगे तो उसका आंसर एज सेम एज ए यूनियन बी यूनियन सी के आएगा। यानी कि हम लोगों ने ये प्रूफ करना है कि जो है वो सबसे पहले ये ब्रैकेट है, हमारे पास चार किस्म की ब्रैकेट होती है ना, एक बार ब्रैकेट होती है, एक जो है हमारे पास राउंड ब्रैकेट होती है, एक कर्ली ब्रैकेट होती है और एक हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होती है। तो हमने बोर्ड मास रूल पढ़ा है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बोर्ड मास रूल में हमें क्या बताते हैं कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट में हमारे पास सबसे पहले अगर बार ब्रैकेट आए तो बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर राउंड ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट को। तो ये हमारे पास जो है वो यूनियन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। अगर इंटरसेक्शन की देखें तो इंटरसेक्शन की हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो ये यूनियन की प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव और ये इंटरसेक्शन की है। अच्छा, तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ए की जो वैल्यू है 1, 2, 4, 5, 10, 20, बी की वैल्यू है 5, 10, 15, 20 और सी की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 5, 10। अब हमने करना क्या है कि हमने दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो प्रूफ करनी है, यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी। तो सबसे पहले हम लोग यूनियन की प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एपी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अच्छा, यू होती क्या हमारे पास, अभी लिखी थी मैंने ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन क्या सी। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी और ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो बीच में हम लाइन लगाते हैं यहां पे और यहां लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और यहां पे लिखते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा, हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि यहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करने जा रहे हैं और यहां पे राइट हैंड साइड, और दोनों का आंसर हमारे पास जो है वो सेम आना चाहिए। हमने करना ये है कि सबसे पहले हमने निकालना है, यहां पे लिखेंगे कि होती क्या असल में ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो बी यूनियन सी निकालेंगे सबसे पहले, बी यूनियन सी। तो सेट बी क्या है मेरे पास, 5, 10, 15 और 20, 5, 10, 15, 20 बीच में यूनियन, और सी क्या है मेरे पास 1, 2, 5, 10, 1, 2, 5, 10। अच्छा, हमने करना क्या, यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर मेरे पास 1 है यहाँ पे, तो बी यूनियन सी मेरे पास आ जाएगा 1। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है 2 है, 2 आ गया। उसके बाद 3 है, नहीं है, 4 भी नहीं है। उसके बाद 5 यहाँ रिपीट हो रहा है, 5 यहाँ भी रिपीट हो रहा है, तो एक बार आएगा। अच्छा, 1, 2, 5 आ गया। उसके बाद 5 के बाद अगला नंबर 6, 7, 8, 9 नहीं है। उसके बाद जो है वो 10 है, और उसके बाद जो हमारे पास जो है उससे बड़ा नंबर हमारा 15 है, और एंड देन लास्ट में हमारे पास क्या है 20। तो ये हमारे पास आ गया बी यूनियन सी। अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा मेरे पास, सबसे पहले मैं लिखूंगा ए, सेट ए क्या है मेरे पास 1, 2, 4, 5, 10, 20। बीच में साइन मेरे पास आ जाएगा किसका, यूनियन का, और बी यूनियन सी का भी हमने आंसर निकाला है, क्या निकाला है हमने 1, 2, 5, 10, 15, 20, 1, 2, 5, 10, 15 और 20। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब हमने इनको अरेंज करके लिखना है किस तरह से, ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, मेरे पास यहाँ 1 है, यहाँ भी सबसे छोटा नंबर 1 है, तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1। उसके बाद अगला नंबर मेरे पास यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है 3 कहीं भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास 4 है, उसके बाद 5, उसके बाद 6 कहीं नहीं है, उसके बाद 7 भी कहीं नहीं है, 8 भी कहीं नहीं है, 9 भी नहीं है, और अगला नंबर जो हमारे पास है वो 10 है। 10 के बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे 15 है, और लास्ट में हमारे पास जो है वो 20 है। तो हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास वो यहाँ सॉल्व हो गई। अब हमने राइट हैंड साइड यहाँ प्रूफ करनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या कहती है कि ए यूनियन बी ब्रैकेट
यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 1, 2, 4, 5, 10, 1, 2, 4, 5, 10, 20, और बीच में यूनियन आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या है, 5, 10, 15, 20। तो हम लोग देखेंगे अब इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है, उसके बाद बड़ा नंबर क्या है, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो सबसे छोटा नंबर मेरे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, एंड देन 2 आ गया, उसके बाद 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है तो 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, उसके बाद 6 नहीं है यहाँ पे, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, और 10 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है तो एक बार आएगा, उसके बाद 11, 12, 13, 14 तो है ही नहीं हमारे पास, यहाँ पे क्या है 15 है, एंड देन 20 है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब मैं निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मैं यहाँ निकालूंगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी का भी मैंने आंसर निकाला है, 1, 2, 4, 5, 10, 15 और 20, उसके बाद यूनियन। अच्छा सी क्या है मेरे पास, सी है मेरे पास 1, 2, 5, 10, 1, 2, 5, 10, तो ये मेरे पास आ गई सी की वैल्यू। अब हमने अरेंज करके लिखना है सिंपल, ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा सबसे छोटा नंबर मेरे पास 1 है, यहाँ भी 1 है तो 1 आ गया, उसके बाद 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 नहीं है, 4 है, 4 यहाँ पे आ गया, उसके बाद 5, एंड देन 10, एंड देन 15, और उसके बाद जो है वो 20 है। तो हम चेक करते हैं हमने सही किया है या नहीं, यहाँ पे आ गया मेरे पास 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2, 2, 4, 4, 5, 5, 10 और 10, 15 और 20, 15 और 20, उसका मतलब जो है हमारे पास वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो प्रूव हो चुकी है। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो ये हमारे पास हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सी की वैल्यूज हमारे पास सेम है, हमने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूफ करनी है, ठीक है। यूनियन हमने प्रूफ कर ली, अब हमने इंटरसेक्शन प्रूफ करनी है, उसके बाद इसका एक और नेक्स्ट पार्ट है, उसमें भी हमने दोनों प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ करनी है। तो हम यहां पे लिख देंगे सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जो हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। अच्छा प्रॉपर्टी होती क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड काम बिल्कुल सेम करना है हमने, ये हमारे पास हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड और हमारे पास जो है ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में मेरे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ए, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो थोड़ा सा पीछे लिख देते हैं, जगह कम है यहाँ पे। तो बी क्या है मेरे पास, बी है मेरे पास 5, 10, 15, 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 10, 15, 20, बीच में साइन आएगा इंटरसेक्शन का, यूनियन मत डालना। और सी है मेरे पास 1, 2, 5, 10, 1, 2, 5, 10। अच्छा हम लोगों ने अरेंज करके लिखना, अब हमने निकालना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन लिखते हैं, जो दोनों में सेम है वो लिखते हैं। अब हम ढूंढेंगे कि सेम है क्या इसमें, बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा सेम का, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 तो कहीं नहीं है, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ पे 5 है और 10 भी है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 10 है। इसका मतलब जो है ये दो नंबर हमारे पास जो है वो इस सेट में कॉमन है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 एंड देन 10। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10 पहले लिख दिया, 5 बाद में लिख दिया, तो इससे गलत हो सकता है। हम लोग हमेशा अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है, 5 और 10। अच्छा उसके बाद हम लोगों ने बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिया, अब हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है, ए की वैल्यू है मेरे पास 1, 2, 4, 5, 10, 20, 1, 2, 4, 5, 10, 20, और बीच में साइन आ जाएगा इंटरसेक्शन का, और सी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या निकाली है, 5 और 10, 5, 10, ये हमारे पास आ गई बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू। अब हमने देखना है कॉमन क्या है दोनों में,
अच्छा कॉमन क्या है मेरे पास, यहाँ पे 5 और 10 ही है, तो हम ढूंढेंगे 5 और 10 इसमें है या नहीं। तो 5 यहाँ भी आ रहा है और 10 यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब 5 और 10 यहाँ पे भी कॉमन ही है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिंपल 5 और 10। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हो गई। उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले हम निकालेंगे क्योंकि वो ब्रैकेट में है, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी में सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, 1, 2, 4, 5, 10, 20 एंड देन इंटरसेक्शन, और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5, 10, 15, 20 कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन है मेरे पास यहां पे 5 है, 5 यहां भी है, इसका मतलब यहां पे 5 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद 10 यहां पे है, 10 यहां पे भी है, इसका मतलब 10 यहां पे कॉमन आ जाएगा। उसके बाद यहां पे क्या है, 15 यहां पे नहीं है, इसका मतलब 15 कॉमन नहीं है। 20 यहां पे भी है और 20 यहां पे भी है, इसका मतलब 5, 10 और 20 हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी से कॉमन आ गया। अब हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, हमने क्या निकाली अभी, 5, 10, 20 ये हमने निकाल ली। अब आएगा बीच में साइन इंटरसेक्शन का, और C की वैल्यू क्या है मेरे पास, C की वैल्यू है 1, 2, 5, 10 अच्छा हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कॉमन आ रहा है सेम या नहीं आ रहा। अच्छा सबसे पहले कॉमन क्या है यहाँ पे, यहाँ आ रहा है 1, 1 तो कहीं नहीं है, 2, 2 भी कहीं नहीं है, 5 और 10 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब 5 और 10 हमारे पास जो है वो इन दोनों में कॉमन है। तो हम देखते हैं कि हमने आंसर सही निकाला, यहाँ पे 5 और 10 कॉमन है, यहाँ पे 5 और 10 कॉमन है, तो एज यूजुअल हमारा आंसर जो है वो सेम आया है। तो उसका मतलब जो है हेंस प्रूव्ड, और क्या प्रूव किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अच्छा वैल्यूज जो है हमारे पास वो डिफरेंट हो गई है, हम क्वेश्चन जो हमारे पास सेम है निकालना हमने वही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, और जो है वैल्यूज हमारे पास चेंज हो गई है। अच्छा अब इन्होंने हमें ए दे दिया एन, बी को दे दिया पी और सी दे दिया जेड, यानी कि इन्होंने इतनी जहमत नहीं की कि हम लोगों को सेट बनाकर देते, इन्होंने सिर्फ एन लिख दिया या पी लिख दिया और जेड लिख दिया। तो हमें पता है एन हमारे पास होता है नेचुरल नंबर, पी पता है हमें प्राइम नंबर होते हैं और जेड हमें पता है कि इंटीजर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में जो है वो तीनों को सेट्स को लिख लेंगे ताकि हमें वैल्यूज पुट करने में आसानी हो। तो सबसे पहला सेट मेरे पास क्या, ए जो है वो बिलोंग करता है किससे, इक्वल होता है नेचुरल नंबर के। तो ए जो है वो नेचुरल नंबर के इक्वल है, तो नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा हमें ये नहीं पता कि हमें लिखने कहाँ तक है, हमें ये तो पता है कि नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर तो बहुत होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो हम जहाँ तक लिखेंगे हम लोग लिख लेंगे मैक्सिमम 7 तक लिख लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 100 चलता रहेगा, लेकिन हम लोग सेट बनाएंगे सिर्फ 7 तक का, ठीक है। उसके बाद बी जो है वो हमें दिया हुआ है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का सेट भी हमारे पास क्या होता है कि चलता ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। तो हम लोग लिख लेंगे प्राइम नंबर, जो मेरे पास पहला प्राइम नंबर होता है 1 होता है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्राइम नंबर का सेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरे पास सेट जो है वो इंटीजर्स है। अच्छा इंटीजर्स जो है हमारे पास वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो हमने पॉजिटिव में भी लिखना है और नेगेटिव में भी लिखना है। सिर्फ पॉजिटिव लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स पे यहाँ पे ना प्लस डाला हुआ है ना माइनस डाला हुआ है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम दोनों में लिखेंगे, ठीक है। तो इंटीजर्स मेरे पास क्या होते हैं, यहाँ पे सेट का नाम दिया हुआ है सी। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले 0 है, उसके बाद प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 3, माइनस का 3, प्लस का 4, माइनस का 4, प्लस का 5 और माइनस का, तो ये हम लोग 5 तक ही लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं ताकि हम लोग वैल्यूज पुट कर सकें। उसके बाद हमने करना यही है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन हम लोगों ने प्रूव करनी है। तो हम लोग करते हैं आज प्रूव, यहाँ पे लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सबसे पहले हम किसकी निकालेंगे, यूनियन की निकालेंगे एंड देन इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो हमें पता है प्रॉपर्टी हमारे पास होती क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो सबसे पहले हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी और ये राइट हैंड साइड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वही ब्रैकेट सॉल्व करनी है और यहाँ पर लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा ए यूनियन बी यूनियन सी में सबसे पहले हम लोग राउंड ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, जो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बी यूनियन
सी को। अच्छा उसके बाद राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन का सी। तो यहाँ भी हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी क्योंकि वो हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बी यूनियन सी। तो बी क्या है मेरे पास, वन टू थ्री फाइव, बीच में साइन आ जाएगा यूनियन का। और सी क्या है मेरे पास, जीरो प्लस वन माइनस वन, प्लस टू माइनस टू, प्लस थ्री माइनस थ्री, प्लस फोर माइनस फोर, और प्लस फाइव माइनस का फाइव, और यहाँ पे सेट जो है हमारे पास जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हमें ये भी पता है कि माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती रहती है वो उतनी ही छोटी होती है। तो अरेंज करके अगर हमारे पास कहीं माइनस टू लिखा हुआ है और कहीं माइनस वन लिखा हुआ है, तो बड़ा माइनस वन है, माइनस टू नहीं बड़ा। तो सबसे पहले हम जब भी अरेंज करके यूनियन निकालेंगे ना इसका, तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस टू पहले लिखेंगे और माइनस वन जो है वो हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो बी यूनियन सी जो है मेरे पास वो कैसे आएगा, सबसे छोटा नंबर मेरे पास क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ा नंबर जो माइनस में है वो सबसे छोटा है, तो माइनस फाइव सबसे छोटा है, उसके बाद माइनस फोर सबसे छोटा है, उसके बाद माइनस का थ्री सबसे छोटा है, उसके बाद माइनस का टू, उसके बाद माइनस का वन, उसके बाद जीरो, एंड देन जो है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। पॉजिटिव क्या है, प्लस का वन, प्लस का टू, प्लस का थ्री, प्लस का फोर और प्लस का फाइव। फाइव से बड़ा हमारे पास नंबर नहीं है, यहाँ भी पॉजिटिव फाइव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव फाइव है, नेगेटिव हम लोग पहले लिख चुके हैं। तो हमारे पास जो है वो बी यूनियन सी आ गया। अब हमने क्या निकालना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हमारे पास नेचुरल नंबर थे हमने सेवन तक लिख दिया सेट इसका, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सही है। अच्छा हम निकाला बी यूनियन सी का, हमने आंसर अब पहले से निकाला हुआ है, माइनस फाइव बीच में साइन आ जाएगा यूनियन का। अच्छा माइनस फाइव माइनस फोर, अच्छा यहाँ लिख रहा हूँ मैं बाकी, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव। अब हमने निकालना है इसका यूनियन, तो हम यूनियन कैसे निकालेंगे, यूनियन इस तरह निकालेंगे कि सबसे छोटा नंबर मेरे पास क्या है, सबसे छोटा नंबर जो है मेरे पास वो है माइनस फाइव, क्योंकि माइनस फाइव से माइनस सिक्स होता तो हमें यहाँ माइनस सिक्स लिखता, तो सबसे छोटा नंबर क्या है माइनस का फाइव, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का फाइव। उसके बाद क्या है माइनस का फोर, उसके बाद माइनस का थ्री, माइनस का टू, माइनस का वन जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव। उसके बाद यहाँ पे सिक्स सेवन भी है, तो सिक्स सेवन भी आएगा यहाँ पे, सिक्स एंड देन सेवन। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरे पास वो सॉल्व हो गई। अब मुझसे आना है राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले मेरे पास वैल्यू क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे, फिर यूनियन सी निकाल लेंगे। तो ए यूनियन बी मेरे पास क्या है, ए का सेट क्या है मेरे पास, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यूनियन बी क्या है, बी है मेरे पास वन टू थ्री फाइव, वन टू थ्री फाइव, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे सिंपल यूनियन इसका। तो यूनियन क्या आएगा मेरे पास, सबसे छोटा नंबर में यहाँ पे माइनस में कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब जो है मतलब पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, वन एंड देन टू एंड देन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, क्योंकि लाइन से वैल्यूज है ना, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इसका आ जाएगा यूनियन। उसके बाद मेरे पास निकालना है मुझे ए यूनियन बी यूनियन का सी, ठीक है। ए यूनियन बी का आंसर अभी निकाला है हमने, ये पुट करेंगे, वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स एंड देन सेवन यूनियन। सी क्या है मेरे पास, सी जो है मेरे पास काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो उसको हम लिख देंगे जीरो प्लस वन प्लस टू माइनस टू प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस फोर माइनस फोर प्लस फाइव माइनस फाइव। अच्छा यहाँ पे जगह नहीं है, अगर आपके पास जगह ज़्यादा हो तो आप लोगों ने माइनस से स्टार्ट करके पॉजिटिव पे जाना है, यानी कि अगर आपने पॉजिटिव प्लस फाइव दिया ना, तो आप यहाँ माइनस फाइव लो, बीच में वैल्यूज लिखो और प्लस फाइव तक लिखो, यूं भी सही है। तो यहाँ जगह कम है इसलिए प्लस ऊपर और माइनस यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा हमने इसका यूनियन निकालना है सिंपल, ए यूनियन बी यूनियन का सी। अच्छा सबसे छोटा नंबर वही है माइनस का फाइव, तो माइनस का फाइव आ गया। अच्छा ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट नहीं बनानी, हमेशा कर्ली ब्रैकेट बनानी है। माइनस का फाइव कॉमा माइनस का फोर माइनस का थ्री माइनस का टू माइनस का वन एंड देन जीरो। अब जीरो के बाद पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और यहाँ पे सिक्स और सेवन, सिक्स और ये सेवन। तो हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आया या नहीं। माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन
सही है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये भी 6, 7 तक जा रहा है। इसका मतलब जो है वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है इस सेट की हमारे पास जो है वो प्रूव हो चुकी है, तो हमने वही लिख देना है हैंस प्रूव। और लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर है होगी वो राइट हैंड साइड के बराबर होगी। ठीक है, अब हम इंटरसेक्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमने यूनियन तो प्रूव कर दी, अब हमने करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो वैल्यूज हमारे पास सेम है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सी की वैल्यू हमारे पास सेम है, ये हमारे पास सेट है, हमने सिर्फ जो है वो प्रॉपर्टी चेंज करनी है और प्रूफ करनी है। तो यहां लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो ये हमारे पास एज यूजुअल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास और ये आ गई मेरे पास राइट हैंड साइड। तो यूनियन में तो हम लोग चलो आराम से कर लेते हैं, इंटरसेक्शन में थोड़ा सा हमें देखना होता है कि हमारे पास नंबर सेम है और उसको हमने मिस तो नहीं कर दिया। तो हम चेक करते हैं कि हम लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड की प्रॉपर्टी है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और राइट हैंड साइड की है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी जो है वो ब्रैकेट के बाहर। अच्छा, हमने करनी है प्रूव इसको। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बाहर है ब्रैकेट के है, तो उसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी को। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी क्या है मेरे पास 1, 2, 3, 5 बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन का, और सी जो है काफी बड़ा सेट है तो सी आ जाएगा मेरे पास 0, +1, -1, +2, -2, +3, -3, +4, -4 और +5, -5। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई सी की वैल्यू। अब हमने निकालना है इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में कॉमन निकालना है। तो हमारे पास पता है मुझे कि बी का सेट जो है वो मेरे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब नेगेटिव तो कोई वैल्यू मेरे पास आ नहीं सकती, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो है वो कोई कॉमन है ही नहीं, तो आएगी कैसे। तो बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे 1 कॉमन है तो यहाँ पॉजिटिव 1 कॉमन है, हमारे पास पॉजिटिव में भी 1 है और नेगेटिव में भी 1 है। तो यहाँ अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो नेगेटिव कॉमन लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कॉमन ले रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ प्लस का 1 है, इसका मतलब माइनस का 1 भी तो है, तो माइनस का है तो प्लस का 1 भी तो है। तो यहाँ पे प्लस का 1 है तो प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ उसके बाद 2 है, 2 भी कॉमन आ जाएगा, उसके बाद 3 कॉमन आ गया, उसके बाद 4 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 1, 2, 3, 5 है लेकिन यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं आ सकता। एंड देन हमारे पास जो है वो 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो 1, 2, 3, 5 जो हमारे पास वही बी का सेट जो हमारे पास वो कॉमन आ गया। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में हमने निकालना है। तो ए का सेट है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड इंटरसेक्शन, उसके बाद जो है बी इंटरसेक्शन सी अभी हमने निकाला है 1, 2, 3, 5, तो यहां पे आ जाएगा 1, 2, 3, 5। अच्छा, अब हमने करना क्या है, इनमें से कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है बराबर है, 1 यहां पे भी आ रहा है, 1 यहां पे भी आ रहा है, तो 1 कॉमन आ गया। उसके बाद 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, 2 कॉमन आ गया। उसके बाद 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, 3 कॉमन आ गया। 4 यहां पे तो है, यहां पे नहीं है, तो 4 कॉमन नहीं आ सकता। 5 यहां पे भी है और 5 यहां पे है, तो 1, 2, 3, 5 जो है मेरे पास जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास सॉल्व हो गई, अब मैंने चलना है राइट हैंड साइड की तरफ। अच्छा, राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, राइट हैंड साइड जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे ए की वैल्यू है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन इंटरसेक्शन, और बी की वैल्यू है 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5। ठीक है, अब हमने निकाला इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में से कॉमन निकालना है, तो हम कॉमन निकाल देंगे सिंपल। यहाँ पे क्या कॉमन है, 1, 1 वहां पे भी कॉमन है, इसका मतलब 1 जो हमारे पास कॉमन आ गया। उसके बाद 2 यहाँ पे भी आ रहा है और 2 यहाँ पे भी आ रहा है, तो 2 एंड देन 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 उसके बाद 4 नहीं है एंड देन 5, तो 1, 2, 3, 5 यानी कि दोनों में कॉमन है। उसके बाद हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर अभी आया 1, 2, 3, 5 और सी क्या है मेरे पास, सी है मेरे पास इंटरसेक्शन 0, +1, -1, +2, -2, +3,
माइनस थ्री प्लस फोर माइनस फोर प्लस फाइव माइनस का फाइव, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो मेरे पास वन यहाँ पे भी आ रहा है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं आ सकती इसमें, सारी पॉजिटिव आएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं। तो वन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव वन कॉमन, टू यहाँ पे भी कॉमन है, टू यहाँ पे भी कॉमन, थ्री यहाँ पे भी कॉमन, और फोर नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे फाइव है तो फाइव जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ भी आंसर मेरे पास वन टू थ्री फाइव आया, यहाँ भी वन टू थ्री फाइव, तो हमारे पास जो है वो हेंस प्रूव हो चुकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।